छतरपुर जिले के गौरिहार के मॉडल स्कूल में हम खड़े हुए हैं, जहां पर शनिवार को एक घटना होती है। 11वीं की छात्रा अर्चना पाल यहां होती है और तभी अचानक बच्ची को ब्रेन की जो नस है वो डैमेज होती है और उसे असहनीय पीड़ा होती है। जब उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हेलट अस्पताल में उसका उपचार जारी है, तो डॉक्टर बताते हैं उसे पैरालाइज भी हुआ है, बच्ची का ट्रीटमेंट जारी है। और इस दरमियान सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाई गई गौरिहार के युवा सरपंच के द्वारा और लोगों के हाथ मदद के लिए आगे बढ़ने लगे। बच्ची के इलाज में बहुत पैसा लगना है। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो बेहद लो प्रोफाइल ये परिवार है, गरीबी का आलम है, परेशानियां हैं उस परिवार में, लेकिन मददगारों के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस सब में सबसे बढ़कर प्रेरणादायी बात यह है कि वो ये जो विद्यालय जिनके छात्रों और शिक्षकों के बीच हम खड़े हुए हैं, इन बच्चों ने एक मिसाल पेश की है। जब सोशल मीडिया में मुहिम चली तो कहीं ना कहीं अपने जो साथी छात्रा है उसके लिए ये बच्चे पूरी तरह समर्पित हो गए, खुद मदद के लिए आगे आए हैं, जो बहुत बड़ी प्रेरणा है अपने आप में। इन बच्चों ने अपने अपने पॉकेट मनी से, किसी ने घर से मांगकर, किसी ने पॉकेट मनी से कुछ अमाउंट इकट्ठा किया। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ के शिक्षक से जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इन बच्चों की जिस तरीके से संवेदना है। जो बच्ची 11वीं की छात्रा भर्ती है, हॉस्पिटलाइज है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तमाम दुआएं इनके द्वारा की जा रही हैं और इनको उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी जो साथी छात्रा थी वो वापस आए, स्वस्थ होकर आए और हमारे बीच फिर उसी तरह से हंसती चहकती हुई अपनी आगे की शिक्षा पूरी करे। मेरे साथ छात्र भी मौजूद है। क्या भैया शुभ नाम है आपका? रॉबिन पाल। रॉबिन, आप बताइए जो मदद कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को प्रेरणा हुई है? सर, वो जब उसको दर्द हो रहा था तो हमें भी लग रहा था, तो सभी टीचरों ने हमसे कहा कि जो आप उनके सामने कुछ दान दे सकते हैं तो उसकी हॉस्पिटलाइज में वो भर्ती है तो उसके लिए आप जो दे सकते हैं तो आप कर दीजिए। तो बच्चों ने अपने अपने पॉकेट मनी से या फिर अपने अपने घर वालों से मांगे पैसे और लायक जमा कर दिए थे। तो आप दुआ कर रहे हैं सब लोग की जल्दी से आपकी साथी छात्रा वापस आ जाए। क्या कहोगे भैया? तो हमारे क्या नाम है आपका? हमारा नाम हर्ष साहू है जी। और हम यही चाहते हैं कि वो छात्रा हमारे स्कूल में फिर से जल्दी वापस आए और हमारे स्कूल से बहुत बड़ा दान हुआ है, योगदान जी। जी, चलिए, ये बच्चे प्रेरणा दे रहे हैं, ये बच्चे ये बतला रहे हैं कि कैसे एक यूनिटी जो होती है उसका एक मिसाल पेश की है इन बच्चों ने। हमारे साथ ये छोटी छोटी बच्चियां भी मौजूद है। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? नैन्सी द्विवेदी। नैन्सी बेटा, बताएं जब अचानक अर्चना के साथ ये घटना हुई, आज वो हॉस्पिटल में आप लोग यहाँ, याद आती है उसकी? बहुत आती है। तो क्या सोचते हैं आप लोग, क्या किस तरह से मदद करना चाहेंगे? हम लोग के पास जितना था हम लोगों ने उतना दिया और हमारे जो क्लास के साथी होते हैं उनने भी मदद करी है और हम लोग यही सोचते हैं कि वो वापस आ जाए। तो अभी हॉस्पिटल में है, आपको आपके यहाँ के जो गौरिहार के सरपंच है उन्होंने भी सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाई है, पता है आपको? बहुत से पैसे बहुत से लोग दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्या कहेंगे बेटा आप? क्या शुभ नाम है? जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जल्दी से जल्द ठीक। आप बेटा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीप्ति साहू है। हम भी यही चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी आ जाए और अपनी पढ़ाई दोबारा से प्रारंभ कर सके। सब लोगों ने कैसे पॉकेट मनी, घर वालों ने सहयोग किया आपका? सब जी हाँ, घर वालों ने थोड़ी थोड़ी मदद की। क्या बोले आप लोगों ने, क्या बताया था घर में? हम लोगों ने ये बताया था हमारी बहन है, दीदी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, ताकि उनकी मदद के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए डोनेट करने हैं, तो उन्होंने घर वालों ने मदद की थी। बिल्कुल, जिस तरीके के बच्चे मिसाल पेश कर रहे हैं, ये एक टीम भावना, एक छात्रों की जो यूनिटी, ये देखने को मिली इन छोटे छोटे छात्र छात्राओं में, क्योंकि जो परिवार है वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में नहीं है कि इलाज करा सके। प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल स्कूल के, सर शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेम नारायण पाल है जी। पाल साहब, जिस तरीके से आपके बच्चों ने आपके मोटिवेशन से कुछ उनको अंदर से लगा, ये जो एक मिसाल कायम की है, क्या कहेंगे पहले इन बच्चों के लिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये घटना हमारे शनिवार को घटी और अकस्मात ECCLE की एक्टिविटीज हो रही थी उस दिन, तो ये बच्ची ने गाने भी गाए हैं, अर्चना पाल जो थी, इसके बाद में बैठ गई है और ज्यादा आधा घंटे बाद अचानक उसको हाथ और दाहिना हाथ और पैर उसका सुन्न हो गया, तो फिर टीचर ने हमसे ही बताया कि बोले वो ऐसा ही बात है, फिर उसको लेकर के आए, फिर हॉस्पिटल में भेजा और पता चला कि उसको पैरालाइज हो गई और उसकी ब्रेन की नस डैमेज हो गई। फिर हम लोगों को बड़ा दर्द हुआ, हमने कहा कि हमारे बीच की बच्ची है ये,
हमने बच्चों को भी प्रेरणा दी। मैंने कहा कि देखो हमें सहयोग करना है और किस तरीके से जितना छोटा से छोटा आप सहयोग कर सकते हो आपको करना है, और ये नहीं कि हमारे कहने से आप लोग करो। अगर आपको अंतरात्मा से लगता है कि अगर है उसकी स्थिति भी ख़राब थी उस बच्ची की, उनकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन बच्चों ने भरपूर सहयोग किया और उन्होंने 5,000 से ऊपर रुपये राशि इकट्ठा करके और दी है हम लोगों को। पढ़ने में कैसी छात्रा? पढ़ने में ठीक थी बच्ची, वो 10वीं में अच्छे मार्क्स लेकर के पास हुई है वो। हाँ, हमारे स्टाफ ने और हमने और हमारे बच्चों ने पूरा सहयोग किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोग। चलिए, तो ये प्रभारी महोदय हैं और इन्होंने बताया जिस तरीके से इन्होंने भी मोटिवेट किया, बच्चों में भी एक अंदर से ललक थी कि हम अपनी साथी छात्रा अपनी दीदी इसको मदद कर सके, दुआ भी कर रहे हैं लगातार। बच्चे एक मिसाल पेश की है, जैसे कि जो ग्वारिहार सरपंच है यहाँ के जिन्होंने ये मुहिम चालू की, आज ये जो पूरी मुहिम है वो ये ज़रूर बतलाती है कि आज कोई भी तनहा नहीं है, कोई अकेला नहीं है, कोई मुफलिसी में नहीं है। हालांकि सरकार भी अपनी तरफ से तमाम योजनाएं चलाती है, आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिलाने के प्रयास किया गया है सरपंच महोदय के द्वारा, चूंकि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो ज़रूरतें होंगी, जो इलाज में खर्चे होंगे, ये पूरा परिवार, पूरा विद्यालय परिवार न सिर्फ बल्कि क्षेत्रवासी और सोशल मीडिया पे जो मुहिम यहाँ के सरपंच ने चलाई है वो भी लगातार मदद के हाथ मददगारों के आ रहे हैं, और हर कोई दुआ कर रहा है कि वो छात्रा फिर से कुशल होकर, फिर से स्वस्थ होकर इस विद्यालय में आए, अपने घर परिवार में आए और फिर से उसके घर में खुशियाँ लौटे। भूपेंद्र भी हमारे साथ यहीं जुड़े हैं। भूपेंद्र, कैसे आपको ये प्रेरणा हुई और कब आपको पता चला कि बच्ची के साथ ऐसा? मैं उस अगले दिन भोपाल में था, और क्योंकि घटना एक दिन पहले थी, मैं संडे को भोपाल में था, तो अचानक उनकी बड़ी बहन का कॉल आता मेरे पास कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है और हम लोग पूरे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, क्योंकि एक महीने पहले उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और 15 दिन बाद जीजा जी का उनका एक्सीडेंट हुआ, तो वास्तव में परिवार बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पर ये चल रहा था कि मैं कितना कर पाऊँगा, 15-20 हज़ार रुपये एक अपनी क्षमता अनुसार। तो फिर मैंने सोचते मेरे दिमाग में आया, मैं ट्रेन में था, कि नहीं, इस चीज़ को अपन ऐसे हल नहीं कर सकते, अपन एक माध्यम है जो एक सोशल नेटवर्किंग अपन लोगों ने तय किया 6-7 साल में मेहनत करके। तो मैंने एक पोस्ट करी और तुरंत मैंने अपने पहले युवा विचार मंच ग्वारिहार का जो ग्रुप है उसमें डाला, और 10 मिनट के डालने के बाद लोगों ने जिस तरह से जुड़ते गए बिना कोई रिक्वेस्ट के, बिना कोई पूछताछ के, लोगों ने उससे, मैं बच्चे से लेके आप जब उनका वो लेंगे हिस्ट्री लेंगे तो एक एक रुपये 5-5 रुपये छोटे छोटे बच्चों ने जो फ़ोन पे चला रहे हैं, और हम लोगों ने दो दिन में कम से कम 1.25 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया। और तो इस मुहिम से उस बच्ची को लाभ हुआ और उसका इलाज चल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी हॉस्पिटल में जारी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि वास्तव में हम लोग सोचते हैं कि हम असहाय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि सोच आपकी बेहतर हो, इरादे नेक हो, तो लोग देने वाले बहुत हैं, बस हमारी नज़र वहाँ तक जानी चाहिए कि लोग इस दुनिया में मदद करने वाले बहुत हैं, और हम इस प्रयास में हैं। और यदि अभी बोला है उन्होंने, मैं लगातार संपर्क में हूँ उस परिवार से, तो उनका बोला कि यदि ऑपरेशन होगा तो 2 लाख रुपये ऑपरेशन में लगना है, हम लोग 1.25 लाख तक तय कर चुके हैं, और ऑपरेशन की स्थिति आएगी तो हम पूरी तरह से अच्छा सकते हैं, उन लोगों की मजबूत है, क्योंकि पैसे के अभाव में उस व्यक्ति की बिटिया की कोई असुरक्षा नहीं होगी, और सबकी दुआएं, पूरे ग्वारिहार के क्षेत्रवासियों की दुआएं बिटिया के साथ में, वो जल्द वापस आए, जलपा माता की कृपा है, हम सबके बीच में फिर पुनः होगी, इस स्कूल में फिर अध्ययन करने आएगी। चलिए, हम सब भी ये दुआ करेंगे, और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में हम उस बच्ची का फ़ोन पे नंबर और बारकोड भी देंगे। अगर आप मदद के हाथ बढ़ाना चाहें तो निश्चित तौर पर इस नेक कार्य में आगे आएं और इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं।